आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस को देख के भाई लिटरली दिल को भाई बहुत ज्यादा सुकून मिला है। आकाशदीप, जडेजा, बुमराह, सिराज, भाई क्या बॉलिंग किया भाई सभी लोग मिलके, क्या टॉप नॉच बॉलिंग। हाँ तो वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो भाई आज की दिन की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कल की हमारी डे खत्म हुई थी। भाई आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंडिया के लिए बेकार भी होती है स्टार्टिंग से, फिर बीच में बहुत अच्छी होती है, फिर बाद में खो जाती है। मतलब इंडिया की स्थिति ऐसी है, अच्छी खराब खराब। भाई मेरी तरफ पूरी किस्मत है इंडिया की, आज की बात करें तो एक तरह से अच्छी हो रही है फिर एक तरह से खराब हो जा रही है। तो भाई आज का भाई सुबह का टाइम में पहला विकेट गिरा रविंद्र जडेजा का और भाई उसने सेंचुरी नहीं बना पाया। मेरे को लग रहा था कि भाई सेंचुरी लगा देंगे, अच्छे खासे रन स्कोर करेंगे और इंडिया 400 पार हो जाएगी। मतलब जब कल 339 पे जब बेस्ट स्टंप हुआ तो मेरे को लगा था आराम से 450 तक तो मतलब रन मिनिमम पहुँच ही जाएगा, बट 379-76 पे टीम ऑल आउट हो जाती है। और जैसे ही ऑल आउट होती है भाई, मतलब मैं जस्ट थोड़ा देर उठाई था मतलब काम से अपना, मैं देखा 5 विकेट गिर गया। ये कैसे हो गया? मतलब जैसे उठा भाई 5 विकेट खत्म, क्या हाईलाइट चल रहे हैं क्या टेस्ट में? मतलब बांग्लादेश क्या बैटिंग कर रही है भाई, मतलब यार ये मेरे टीम की तरफ पूरा परफॉर्मेंस हो रही है। मतलब मेरे टीम का बात कुछ ऐसा है, मेरे टीम में जब मैं मैच खेलता हूँ तो मेरे टीम में ऐसा कुछ होता है भाई, हमारी फील्डिंग पाकिस्तान की टीम की तरह है, हमारी बॉलिंग जिम्बाब्वे की तरह और हमारी बैटिंग बांग्लादेश की तरह है और एटीट्यूड इंडिया लेवल की है, समझ सकते हैं? हमारी टीम में ऐसे ही प्लेयर है। तो अब पहले अपन स्कोर देखते हैं आखिर स्कोर कितना हुआ। तो भाई मैं पहले अच्छे से आपको स्कोर दिखा देता हूँ कि स्कोर भी बहुत जानना जरूरी है। इंडिया की अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो सबसे बेस्ट बैटिंग करते हैं रविचंद्र अश्विन 133 रन और उसके बाद जडेजा 86। भाई मतलब मैं सोचता भाई सेंचुरी लगाएंगे बट ऐसा कुछ होता नहीं है, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा दुख होता हूँ इससे। भाई मैं तो सोचता हूँ भाई क्या हो रहा है भाई, इसके टीम इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहती है। और तस्कीन अहमद की बहुत बढ़िया बॉलिंग होती है जो कल वो नहीं कर पाया था वो आज करके दिखाया और लिटरली स्टार्टिंग के 3 विकेट उन्होंने खत्म कर दिया पूरा टोटल सफाया। और बांग्लादेश से अगर बात करें तो बांग्लादेश में कैसे कैसे बैटिंग किया, तो भाई स्टार्टिंग 2, 3, 20, 0, 8, 32, 22, 27, 9, 11, 11, मतलब लिटरली बहुत भाई बहुत बैटिंग हुई। मतलब ये ऐसे ही हर समय का है, बॉलिंग अच्छी कर लेती है बांग्लादेश की टीम और बैटिंग में आया तो भाई पूरी तरह हक देती है, ऐसा ही हर समय का है। और सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो सबसे बेस्ट बॉलिंग है बुमराह, 4 विकेट, वाह यार क्या लाजवाब बॉलिंग है भाई। मतलब पता नहीं एक और मिल जाता पंजा हो जाता बट पंजा होने नहीं दिया किसी ने, पंजा डिजर्व करते थे बुमराह भाई। स्टार्टिंग से भाई बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे थे भाई। आप पहला ओवर देखोगे ना भाई, दूसरी बॉल आप देखते भाई लिटरली बैट्समैन पूरा खुल गया था वहाँ पे और भाई वो तो चला गया रन, बट जैसे दूसरा बॉल बैट्समैन खुला था ना भाई, मेरे को देख इतना ज़्यादा सुकून आता भाई क्या बताऊँ। कि बैटिंग की बात करिए तो बांग्लादेश सबसे अच्छी बैटिंग करते हैं साकिब उल हसन जो कि 32 रन स्कोर कर पाते हैं, सब फ्लॉप भाई, सब इसके अंदर ही खत्म, पूरी टीम खत्म भाई, एक प्लेयर को छोड़कर कोई 30 रन तक भी नहीं पहुंच रही टेस्ट क्रिकेट में भाई। और भाई मेरे को ये बोलना चाहता हूँ भाई इंडिया में इंडिया को हराना भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, जैसे तैसे भाई बांग्लादेश की टीम बहुत जल्दी सिमट जाती है तो उसके बाद हमारी टीम की बैटिंग आती है। और वही से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये इंडियन टीम में भाई कि वो अटैकिंग खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इंडिया बहुत ज़्यादा रनों से आ गई थी तो उसने सोचा क्यों ना अटैकिंग खेला जाए, तो भाई इंडिया टीम अटैकिंग स्टार्टिंग से ही करती है। रोहित शर्मा अटैक के चक्कर में आउट होते भाई, जो स्लिप में कॉट बिहाइंड होते भाई, वो मतलब एग्रेसिव खेलने के चक्कर में आउट होते हैं। उसके ये अश्विन जायसवाल भाई 10 रन पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद भाई जो विकेट गिरता है विराट कोहली का भाई, लिटरली विराट कोहली LBW दिया गया बट वो अगर रिव्यू ले लेते तो वो भी LBW नहीं होते। बट यार सुमन गिल बोल रहे भाई LBW लो, बट ने विराट कोहली को लेना ही नहीं था और अपना विकेट गंवा दिया भाई। और बाद में जब रिव्यू देखा जाता है तो भाई बैड था। मतलब यार सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है जब आउट हो जाओ और बाहर बैठे हो, उसके बाद दिख रहा है ये तो बैट लगा हुआ था, सेड यार मैंने तो लिया ही नहीं रिव्यू भाई, बहुत ज़्यादा दुख होता है। चलिए गाइस आज के थोड़े मीम्स देखते हैं भाई, मीम्स कैसे कैसे बने हैं आज की इस डे 2 में। तो यार चलिए अब स्टार्ट करते हैं मीम्स रिव्यू का। तो आज क्या क्या मीम्स बने हैं आज की इस डे 2 में। कोहली आफ्टर थ्रोइंग हिज विकेट, क्या बैट पे लगते हैं चल निकले पड़े हुए अपने काम में भाई, मैं तो आउट हूँ भाई, मतलब रिव्यू लेना ही नहीं, रिव्यू तीन तीन पड़े हुए थे। बांग्लादेश ऑलरेडी 3 डाउन इन फर्स्ट सेशन ऑफ 2 डे, अश्विन एंड जडेजा वाचिंग द पीस बाउंस एंड नो होप। मतलब भाई ऐसा ही हुआ था, मतलब देख के ना भाई जब इंडिया बैटिंग कर रही है तो भाई रन के रन लगे जा रहे हैं, जब बांग्लादेश बैटिंग करने आए तो भाई विकेट में विकेट गिरा जा रहा है। मतलब उस तरह भाई मेरे को वो क्या रहा है भाई, इंडिया में मैच खेलना है मतलब वो क्या रहा है। टीम इंडिया आफ्टर टेकिंग मल्टीपल विकेट्स
इंडिया टू बांग्लादेश तुमसे ना हो पाएगा भाई, ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, कुछ तो ढंग से कर लो भाई। बुमराह इज सिंपली जीनियस मैन, ही मेक्स बैटर कंफर्टेबल एंड बॉल द भाई बात तो सही है, मतलब बैटर का इतना अच्छी बैटिंग करा दो क्यों लगे हाँ भाई मैं बहुत अच्छा फॉर्म में, मैं रन बना सकता हूँ, फिर एक ऐसी बॉल डाल दो कि फटाक से खुद बैटर विकेट देकर चले जाए। ये चाल होना चाहिए टीम इंडिया के, जैसे से खेला दो उसके बाद बॉल मार के भेज दो उसे घर पर। आई लाइक इट फ्रॉम बुमराह भाई। ये सबसे फनी भी मिली है मेरे को, बांग्लादेश किंग बनाया हुआ है और अश्विन भाई भाई बहुत गंदी बांग्लादेश के साथ भाई, टॉप बैटर्स जल्दी पवेलियन चले गए और भाई ऑलराउंडर भाई ऐसे कहा मच गया था कल भाई, क्या बताया मतलब लिटरली बांग्लादेश का पूरा प्रैंक हो, क्वालिटी वाला प्रैंक हुआ है। सो गाइस आज की बस इतनी, अगर आप बोले को तो इसका सेकेंड पार्ट भी मैं लाऊंगा मीम्स रिव्यू के, अभी तो फिलहाल उतने ज़्यादा मीम्स बने नहीं है, अगर जैसे जैसे मीम्स बनते हैं उसका मैं कल सेकेंड पार्ट भी अगर आप लोग बोलोगे तब लाऊंगा, ऐसे नहीं अगर आप लोग कमेंट ऑप्शन बताते हो तब मैं कल लाऊंगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक नमस्कार, टेक केयर एंड बाय।